Vardhaman Academy, an English medium co-educational senior secondary school, classes from nursery to 12th, smart classrooms, Wi-Fi computer lab, advanced maths and science labs, well-stocked library, best environment for games, yoga and music. Vardhaman Academy, Railway Road, Meerut. Namaskar, I am Ravi Sharma and you are watching First Bite. 31 March is a very important day in itself. It's important that in Meerut, we are coming to the country's Prime Minister. नरेंद्र मोदी, यह लोकसभा चुनाव की पहली चुनावी रैली है। मेरठ का कृषि विश्वविद्यालय है और इसमें आप देख रहे हैं दूर दूर तक भी लोगों के बैठने की व्यवस्था की जा रही है। अभी रैली के आयोजन में करीब 2-3 दिन बाकी हैं, लेकिन इसमें कोशिश ये की जा रही है। पार्टी ने कहा है कि करीब 3 लाख लोगों को वो यहाँ पर लेकर के आ रहे हैं और अल्टीमेटली 2 लाख तो लोग पहुँचेंगे ही। नरेंद्र मोदी की एज ए प्राइम मिनिस्टर मेरठ में ये तीसरी रैली है। पहली रैली उन्होंने शताब्दी नगर में की थी और इसके बाद दूसरी रैली यहाँ कृषि विश्वविद्यालय में की है और अब 31 तारीख को तीसरी रैली वह यहाँ पर करने जा रहे हैं। 2019 में नरेंद्र मोदी एज ए प्राइम मिनिस्टर जब यहाँ रैली करने आए थे, तब मैं कैमरामैन से कहूँगा कि उस समय ये मेट्रो के लिए लाइन नहीं बिछी थी। अब जबकि वो 31 तारीख को फिर दोबारा से इसी मैदान में रैली करने आ रहे हैं, तो आप देखेंगे कि मेट्रो का काम बहुत तेज़ी से यहाँ पर चल रहा है। RRTS नाम से यहाँ पर दिल्ली से मेरठ तक का सफ़र आप RRTS यानी मेट्रो में पूरा करेंगे और यह एक मेरठ के लिए एक बहुत बड़ी सौगात होने जा रही है। दिल्ली से दुहाई तक मेट्रो लाइन आ चुकी है, बल्कि मेट्रो आ चुकी है। अब उसको 2025 के अंत तक उम्मीद की जा रही है कि वह मेरठ में भी एंट्री कर लेगी और इसका सारा श्रेय जो भी श्रेय जाता है वो पीएम मोदी और प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को जाता है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश की मेरठ हापुड़ लोकसभा सीट अपने आप में एक महत्व रखती है और यही कारण है कि यहाँ से भाजपा ने प्रत्याशी जिन्हें बनाया है उसके लिए उनके नाम के लिए सभी लोग वाकिफ हैं, अरुण गोविल। धारावाहिक रामायण में उन्होंने राम की भूमिका अदा की थी और राम लहर के बाद अब एकाएक ही उनके नाम को यहाँ उतार करके भाजपा एक सीधे सीधे मैसेज देना चाहती है कि वह प्रदेश में राम राज स्थापित करने की तरफ बहुत तेज़ी के साथ बढ़ रही है। बीते दिवस ही योगी आदित्यनाथ मेरठ आए और उन्होंने अरुण गोविल को मंच से मेरठ में लॉन्च किया। मेरठ में प्रत्याशियों की एक लंबी फेहरिस्त रही, लेकिन उन सबको दरकिनार कर भाजपा ने अरुण गोविल पर दाव लगाना ज़्यादा बेहतर समझा। यह सीट अरुण गोविल के साथ साथ यह सीट सीधी सीधी बात ये भी है कि वह भाजपा एक मैसेज देना चाहती है अरुण गोविल के माध्यम से। इस रैली की एक खास पहलू ये भी रहेगा कि इसमें रालोद मुखिया जयंत चौधरी भी शरीक होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ उनकी ये पहली चुनावी सभा होगी। माना जाता है कि रालोद इस बेल्ट में, जिसको जाटलैंड भी बोला जाता है, में अपनी अच्छी खासी दखल रखते हैं। इसी कारण से उनके साथ उनका गठबंधन हुआ और ये माना जा रहा है कि भाजपा के पक्ष में जाटों को लाने में वह कामयाब होंगे। उनको हालांकि 2 ही सीट दी गई हैं, बागपत और बिजनौर। बागपत से उन्होंने अपने 42 साल पुराने जो रालोद से ही जुड़े रहे राजकुमार सांगवान को टिकट दे करके चुनाव मैदान में उतारा है। रालोद ने साफ साफ ये मैसेज दिया है कि जो उनसे पुराने लोग जुड़े हुए हैं उनको कहीं ना कहीं उन्होंने अहमियत दी है, भले ही उसमें 42 साल लग गए। मौके पर मौजूद नोएडा विधानसभा क्षेत्र प्रभारी और पूर्व जिला पंचायत सदस्य मीनाक्षी भराला से जब इस कार्यक्रम के बारे में वार्ता की गई तो उन्होंने यह कहा। मीनाक्षी जी, कितनी उत्साहित हैं प्रधानमंत्री यहाँ पे आने वाले हैं और पहले चुनावी संकनाद की शुरुआत यहीं से करने वाले हैं, क्या तैयारी महिलाओं की? महिलाएं कमर कस के बैठी हैं कि जैसे ही मोदी जी आएंगे उनका स्वागत करेंगे। मोदी जी का स्वागत है मेरठ में और उसके बाद वोट देकर के उनको हम ऋण चुकाएंगे जो उन्होंने राम मंदिर के रूप में हमें दिया है। उज्ज्वला योजना दी है, जैसा भी मैंने बिल्कुल सही बात, महिलाओं को शौचालय कभी सोचा भी नहीं था, आंखें धुएं में होती थी, वो सब जब महिलाओं के लिए इतना काम हुआ है और इससे भी ज्यादा योजनाएं, महिलाओं को उन्होंने काम करना सिखाया है, महिलाओं को काम दिया है, रोजगार दिया है, तो वो महिलाएं उनको बढ़ चढ़ के वोट करेंगी और यहाँ आकर
जाके अब उनको दिखाएंगे मोदी जी को हम आपके साथ हैं। महिलाओं की तैयारी को लेकर बता दीजिए कि कैसे आएंगे, भगवा कपड़े में आएंगे जैसा बताया? हाँ, भगवा कपड़े में आएंगे और रंगोली बनेगी और फूलों के साथ हम मोदी जी का स्वागत करेंगे, पहले से तैयारी। अच्छा, और महिलाओं को यहाँ लाने की संख्या भी आपके पास? महिलाएं अभी तक जितना 25-26 बस तो हमारी आ रही हैं, तो महिलाएं बहुत भारी संख्या में आएंगी।